बहुत खराब हो गया सर। यहीं आप यहीं के निवासी हैं? हाँ नहीं, मकान बना हुआ था अभी 3-4 साल हुए। नहीं अच्छा, शहर में नौकरी करते हैं, गरीब आदमी किराए पर रहते थे, जीवन में 42 साल बाद एक मकान बनाया, वो भी सब डूब। तो अभी आपका मकान में सामान वगैरह सब? सामान सब डूबा पड़ा है, उसको उसी को तो संभालने जा रहे हैं। अच्छा, तो वो तो सब अंदर होगा पानी के? पानी के अंदर से सब। कैसे निकालेंगे? अब नाव के द्वारा जाएंगे, जो अपने जो सुरक्षा है, जो अपने बचाने लायक है उसको बचाएंगे। प्रशासन से कोई बात हुई? कोई प्रशासन नहीं, कुछ सब बेकार की बातें। प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। गरीबों की वीडियो बनाने वाले लोग हैं यहाँ का, हंसी उड़ाने वाले। यहाँ का मेयर है विनोद अग्रवाल, वो अभी तक यहाँ आया नहीं है। कम से कम आने भी तो मांगता है। यहाँ का MLA पार्षद है, वो अभी तक कोई आया नहीं है यहाँ तक। तकरीबन कितने परिवार ऐसे होंगे जो यहाँ? हमारा भी है सर जी। अभी तो बहुत है, बहुत है, 300-350 परिवार इधर ही है मोहल्ले में, आधे इसी क्षेत्र में। हाँ, बाकी ऊपर के बाहर के तो सारे गांव डूबे हुए फंसे हुए। हमारा पीछे भी काफी गांव। हमारा ये सब सामान, सब सामान। क्या करते हैं आप? मजदूर लोग हैं सब, हमारे साथ ही मकान बना हुआ है। नहीं अभी अभी तहसीलदार साहब आए थे तो NDRF की, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, वहाँ टीमें भी कुछ लगा दी गई हैं। NDRF तो अभी आई है सर सुबह से। अच्छा, कितने दिन से पानी था? कितने? 3 दिन से पानी है यहाँ। 16 तारीख को हम लोग यहाँ से 5 बजे निकले थे, तो घुटना इतना घोटू घोटू पानी था। जब घबरा गए, जब बच्चे के परेशान न हो जाए तो बच्चों को निकाल के अपना बाहर किया। ये अंदाजा नहीं था इतना पानी भरना है, होता है यहाँ पे, भरना होता तो हम पहले ही से यहाँ से खाली हो जाते हैं। पहले भी मथुरा में इस तरीके की बाढ़ कभी आई? 2010 में आई थी साहब, मगर हमने ये क्षेत्र नहीं देखा था कि ये पानी यहाँ इतना भरता है। वहाँ की तब क्या स्थिति थी? अब ज्यादा भयानक स्थिति है या तब ज्यादा भयानक स्थिति थी? अभी ज्यादा है, अभी ज्यादा, पिछली बार से ज्यादा। कोई मदद नहीं है वहाँ, सब सामान पता हुआ, कोई मदद नहीं है, कोई MLA सब डूब गया, पलंग सब, कोई मेयर नहीं, कुछ भी नहीं है कुछ बनने के लिए। 23 साल पहले जो था वो 23 साल वाले रह गए, और 23 साल जीवन के खत्म हो गए हमारे। जो कुछ इकट्ठा करके इसको बनाया था वो सब खत्म हो गया। शासन प्रशासन की तरफ से कोई कुछ नहीं है, कोई मदद नहीं है। अभी ये बोला सामान निकालना है, बाल में लगाना भी कह रहे थे हम उससे। यहाँ बोर्ड वाले को बोले सामान निकालो तो बोर्ड वाले बोनो कह रहे पहले खाना दिया, जब निकालना, अब पता नहीं कब कितनी देर में आएंगे, और जब तक पानी बढ़ गया तो हमने सब वैसे डूबा पूरा, हमारे पूरा सामान तो सारा खराब हो गया होगा पानी में डूबे तो। सब खराब हो गया, सिलेंडर है, खाने भी नहीं खाए, सब खराब हो गया, सब परेशानी मौजूद। लोग देखा आपने यहाँ के लोग किस तरीके से परेशान हैं। प्रशासन के द्वारा 3 दिन बाद कुछ टीमें भेजी गई हैं, और NDRF की मैं देख पा रहा हूँ पीछे, NDRF की टीमें भी अब बोट से लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का यही कहना है कि तीन दिन हो गए, अभी तक कोई टीम नहीं आई थी, आज ही शायद NDRF की टीम लगाई गई है, और बोट जरूर लगा दी गई थी, 5-6 बोट इस पूरे इलाके में लगा दी गई हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं NDRF की टीम जो है कि खाना वगैरह बांटने के लिए, जैसे यहाँ पर अभी तहसीलदार साहब आए थे तो मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग खाना वगैरह बंटवा रहे हैं, और भैया से जैसे बात हुई, ये यहाँ के नागरिक हैं जो बासिंदे हैं यहाँ के, उन लोगों से बात हुई, उन्होंने अपने सामान के लिए बोला कि हमारा सामान निकाल दो, तो उन प्रशासन के द्वारा यही कहा गया उनको कि पहले हम खाना बंटवा दें, उसके बाद आप लोगों का सामान निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं NDRF की टीम यहाँ पर अब लग गई हैं, और अपने बोट से वो लोगों को जो संभव मदद हो सकती है वो सरकार प्रशासन, अपनी नगर निगम प्रशासन के द्वारा